वेलकम बैक टू ग्रास रूट पाठशाला। तो फिर से हाजिर हो गए हैं आपके सामने एक वीडियो लेकर, और उम्मीद करती हूँ जैसे मुझे इंतजार रहता है कि मैं आपसे मिलूं वीडियो के जरिए, आपको भी इंतजार रहता है कि कब मेरी वीडियो आए, उम्मीद करती हूँ। तो शुरू करते हैं, आज फिर से मैथ्स पेडागोजी करेंगे। एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, आपको मालूम है सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो प्लीज अब तक की जितनी वीडियोस हैं एक बार उनको आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पे आपको दिया गया है। अगर आप उन्हें एक बार भी देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि उसमें सिर्फ ऐसा नहीं आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जिस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है चीजों का, उससे आप एक साथ कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पा रहे हैं। तो प्लीज आप कोशिश करिए कि एक बार आप सारी वीडियोस को देख लीजिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, और बिल्कुल टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर से कहना चाहूंगी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स क्लास रेफर्स टू डेवलपिंग एबिलिटी टू। देखिए, कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स क्लास, जब मैथ्स की क्लास में जब आपकी कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो कौन सी एबिलिटी को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है? इंटरप्रेट डाटा बाय लुकिंग एट बार ग्राफ्स। जब आप बार ग्राफ देखते हैं तो उसका जो डेटा आपको दिया गया है उसको आप इंटरप्रेट कर पाते हैं, पहचान पाते हैं, जान पाते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन का यूज है यहाँ पर। गिव प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्लास। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं क्लास में, उसका एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आ पाए इस वजह से। कॉन्ट्रोडिक्ट द व्यूज ऑफ अदर्स ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स। ऑर्गेनाइज, कंसोलिडेट एंड एक्सप्रेस मैथमेटिकल थिंकिंग। हम ऑर्गेनाइज कर सकें, कंसोलिडेट कर सकें या एक्सप्रेस कर सकें अपनी मैथमेटिकल थिंकिंग को, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स। देखिए, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अगर बात की जाएगी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम ओवरऑल देख के चलते हैं, राइट? सिर्फ रिस्पॉन्सेज जानने के अलावा भी हमें और बहुत कुछ जानना है। हमें ये रिस्पॉन्सेज के अलावा जानना होता है कि बच्चा क्या सोच रहा है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर वो कुछ सॉल्यूशन भी ला रहा है तो उसके पीछे उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका क्या अपना एक थॉट और थिंकिंग चल रही है, दैट एवरीथिंग वी नो। ठीक है, हमें सब कुछ जानना है। तो आंसर विल बी डी। वट विल बी योर आंसर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर एनसीएफ 2005। देखिए, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपसे चार ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे, एंड यू हैव टू आंसर दैम। ओके, सो पहले ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। एज पर एनसीएफ 2005, नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल इज टू टीच नंबर सिस्टम एंड हायर एम इज टू टीच अल्जबरा। ये कह रहे हैं हमारा नैरो एम जो है, हमारा पहला एम ये है कि भैया हम बच्चे को नंबर सिस्टम सिखा दें, और दूसरा एम ये कहता है कि उसको अल्जबरा। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग हमारा एम ये है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ नंबर सिस्टम और अल्जबरा सिखाना हमारा एम नहीं है। हमने पहले भी इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग बात की हुई है। सेकेंड ऑप्शन, नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल इज टू टीच कैलकुलेशन एंड हायर एम इज टू टीच मेजरमेंट। ये कह रहे हैं नैरो एम जो है मैथमेटिक्स पढ़ाने का, वो ये है कि भाई बच्चे को ना नॉर्मल कैलकुलेशन हम सिखा दें, और दूसरा हमारा जो हायर एम है वो ये है कि उसको मेजरमेंट सिखा दें। भाई पहला ऑप्शन कह रहा था नंबर सिस्टम और अलजेब्रा बता दो, दूसरा कह रहा है कैलकुलेशन और मेजरमेंट बता दो। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है ना कि आप ये सिखाने से अच्छा उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर दो, राइट? आप उसको उसकी जो थिंकिंग है रिलेटेड, जो उससे रिलेटेड थिंकिंग हो सकती है, आप उसको डेवलप कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर एबिलिटी को डेवलप कीजिए। ये सब चीजें अपने आप डेवलप हो जाएंगी, तो हम सिर्फ इसको इसको एम नहीं मान सकते। एनसीएफ 2005 ने क्या कहा है वो गाइडलाइन एकदम क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर आपको आंसर में नहीं समझ आए तो ऑप्शंस पढ़ के आप उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई कीजिए और उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल इज टू डेवलप न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल्स एंड हायर एम इज टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ आई ना बात, यहाँ बात की है इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग की और जो हमारी बेसिक स्किल्स है नंबर्स को लेके उसको डेवलप करने की। तो अकॉर्डिंगली कौन सा आंसर होगा आपका? आंसर विल बी सी। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल इज टू दैट अर्थमेटिक एंड हायर एम इज टू टीच अलजेब्रा। बिल्कुल आप कैंसिल कर सकते हैं, वाइप आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन चीज है वो क्या है, आपको ये देखना है कि बच्चे के अंदर वो कॉम्पिटेंसी सॉल्व करने के लिए आपको उसको बढ़ावा देना है, ना कि आपको उसको पर्टिकुलर एक टॉपिक समझा देना है। समझ रहे हैं? तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेमिडियल टीचिंग।
भाई रेमेडियल टीचिंग जो होती है उसका पर्पस क्या है? रेमेडियल टीचिंग बेसिकली देखिए, एक नाम पढ़ने के बाद आपको कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाता है कि जब कोई बच्चा जो है उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या फिर कोई टॉपिक है जहां वो बार बार कुछ गलतियां कर रहा है, नहीं समझ आ पा रही है, तो हम उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देते हैं, थोड़ा सा अलग से उसको बैठाते हैं अपने साथ और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसको वही कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। दिस इज रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। तो आपको पर्पस बताना है, आधा तो मैंने बता ही दिया, आप क्या करना है, ऑप्शन में ढूंढना है, तो ढूंढ लेते हैं। हेल्प स्टूडेंट्स टू ओवरकम देयर लर्निंग डिफिकल्टीज, बच्चों को मदद करते हैं जहां जहां उन्हें लर्निंग पढ़ने में डिफिकल्टीज आ रही हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज जो है उसको वो ओवरकम कर जाए। हेल्प टीचर्स टू डेवलप प्रोफिशिएंसी इन क्लासरूम मैनेजमेंट, बिल्कुल नहीं जी, बच्चे के लिए है, ठीक है, तो टीचर का तो खत्म कर दीजिए। हेल्प टीचर टू रिकॉर्ड लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स, हेल्प करती है टीचर को कि वो रिकॉर्ड कर सके कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या कमी आ रही है। हेल्प टीचर टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर सेटिस्फाइंग द हेडमास्टर जी, बिल्कुल नहीं, हेडमास्टर जी को सेटिस्फाई नहीं करना है, हमें बच्चे को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पर रिकॉर्ड रखने के लिए या फिर ग्रेड करने के लिए बच्चे को हमारे पास और बहुत सारी असेसमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो रेमेडियल बेसिकली यही है, भैया हमारा बच्चा कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है और कुछ डिफिकल्टीज है, वहां से उसे बाहर निकालना है, ठीक है। सो आंसर विल बी ए, व्हाट विल बी योर आंसर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इन अलजेब्रा। देखिए अलजेब्रा एक बेसिकली अगर आप देखते हैं तो अलजेब्रा एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को भी डेवलप कर रहा है आपकी, है ना, क्योंकि बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वहां पर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं उसको सिखाने के लिए इनमें से कौन सा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, नॉट एन इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट नहीं, नॉट एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो आपको वो देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जनरलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, मेजरमेंट एंड ट्रांसपोजिशन। देखिए जनरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप क्या करते हैं, आप वैल्यूज को मानते हैं, आप सपोज करते हैं लेट दिस वैल्यू बी एक्स, दिस वैल्यू बी वाई, और ये सब आप अपना अपने आप उसको कर रहे हैं विजुअलाइजेशन, आप अपने आप उसको आगे पीछे कहाँ ले जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आप उसको सोच रहे हैं। ट्रांसपोजिशन, आप पोजिशन को चेंज करते हैं जब आप एलजेब्रा सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एंड एवरीथिंग, बट यू आर नॉट डूइंग मेजरमेंट देयर, राइट? सो द आंसर विल बी सी, दिस इज नॉट एन एस्पेक्ट, और यू कैन से एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अलजेब्रा, सो आंसर विल बी सी एज पर एनसीएफ 2005। देखिए एनसीएफ 2005, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो सीटेट एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं एनसीएफ को लेकर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, है ना। पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन। एज पर एनसीएफ 2005, वन मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल इज टू, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डेवलप न्यूमरेसी स्किल्स, बच्चे के अंदर न्यूमरेसी स्किल्स को डेवलप कर दिया जाए, जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उसको एनहांस किया जाए और बढ़ा दिया जाए, नर्चर एनालिटिकल एबिलिटी, बच्चे की एनालिटिकल एबिलिटी को जो है और ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए, या फिर मैथमेटाइज कर दिया जाए बच्चे के थॉट प्रोसेस को। देखिए जब हमने कल पिछली वीडियो में जब हमने किया था, जो मेन गोल होता है वो होता है मैथमेटाइज करना थॉट प्रोसेस को, तभी वो मैथमेटिकली उन चीजों को समझ पाएंगे, सोच पाएंगे, ठीक है। सो आपका आंसर क्या होगा? डी, योर आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टीच द पाइथागोरस थियरम, अ टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ शीट ऑन विच फोर राइट एंगल ट्राइंगल्स वर ड्रॉन एंड आस्क द चाइल्ड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द अबव सिचुएशन द टीचर यूज। देखिए यहाँ पर बेसिकली बच्चे को क्या है, एक पेपर दिया गया है, ट्राइंगल बना दिए गए हैं उसके सामने, और उसको क्या बोला गया है कि उसको ये पता करना है रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या टीचर पता कर रहा है या बच्चा पता कर रहा है, लेकिन किस तरीके से कर रहा है, इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, लेक्चर मेथड है या लेबोरेटरी मेथड है, आपको क्या लगता है कौन सा मेथड है? देखिए मेथड की अगर हम बात करें तो ये डिडक्टिव मेथड तो नहीं है, क्योंकि डिडक्टिव मेथड क्या है, डायरेक्टली हम क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसके बाद में हम उनको बताते हैं ये चीज करनी है, ठीक है। ये लेक्चर मेथड भी नहीं है क्योंकि टीचर खुद सब चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रही है, लेबोरेटरी मेथड भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर बच्चा किसी लैब में नहीं है ना क्लासरूम, आपने उसको एक पेपर दिया है और उसमें कुछ ट्राइंगल्स दिए हैं एंड
बच्चा उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप्स को, क्योंकि आप उसके बाद क्या करने वाले हैं, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, आपने पहले बच्चे को बहुत से एग्जांपल्स दे दिए हैं, बहुत सी ऐसी चीजें दे दी हैं जहां से वो पता कर सके. सो इट विल बी इंडक्टिव मेथड. ठीक है, जहां बच्चा कारगर है, जहां बच्चा कर रहा है इन सब चीजों को, दैट इज इंडक्टिव मेथड. सो आंसर विल बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द विजन स्टेटमेंट ऑफ एनसीएफ 2005, देखिए फिर से एनसीएफ 2005 का क्वेश्चन है. एज पर द विजन एंड स्टेटमेंट ऑफ एनसीएफ 2005, स्कूल मैथमेटिक्स डज नॉट टेक प्लेस इन अ सिचुएशन वेयर चिल्ड्रन. देखिए ये कह रहे हैं कि स्कूल मैथमेटिक्स जो है वो कौन सी सिचुएशन में नहीं होगा, इन चारों में से आपको ये बताना है. वेयर चिल्ड्रन लर्न टू इंजॉय मैथमेटिक्स, सी मैथमेटिक्स एज अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ एक्सपीरियंस, पोज एंड सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स, मेमोराइज फॉर्मूला एंड एल्गोरिथम. देखिए आपको नहीं वाला, नॉट वाला बताना है. तो नॉट बताना है तो पॉजिटिव तो नहीं देखेंगे ना. ऑब्वियसली बात है, अगर हम मैथ्स को इंजॉय कर रहे हैं तो वो हमारी क्लास का पार्ट होगा. उस सिचुएशन में बच्चा एंजॉय कर रहा है, ठीक है, हम डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से जोड़ेंगे, बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है, तो वो भी एनसीएफ की 2005 की स्टेटमेंट है कि बच्चे को रियल लाइफ से जोड़िए, बच्चे को मैथ्स इस तरह कराइए कि उसे मजा आए. बच्चा जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो क्या है, मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स होनी चाहिए. अब रियल लाइफ से जुड़ जाएंगी तो मीनिंग भी जुड़ जाएगा ना, ठीक है. वो मना करते हैं, भैया मेमोराइज नहीं कराना है, याद नहीं करना है, समझना है. सो आंसर विल बी डी, दिस विल नॉट बी द पार्ट. ओके, सो आंसर इज डी. Next question, when introducing mensuration, a teacher writes all the formulae on the board before proceeding further. This reflects that she is following the. देखिए यहाँ पर अब वही वाली इंडक्टिव डिडक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. यहाँ पे बच्चा कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख रहा है, कोई प्रैक्टिकल करके नहीं देख रहा है. टीचर ने क्या किया, आते बोर्ड पे सारे फॉर्मूले लिख दिए कि भैया ये फॉर्मूले हैं और ये याद करने हैं क्योंकि हम ये करने वाले हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, द Which approach is this? This is deductive approach. Which approach? Deductive. So your answer will be B. ठीक है? क्योंकि हमेशा याद रखिए, अगर direct introduction दे दिया गया है topic का, that will be deductive. जहां बच्चा find out कर रहा है, that will be inductive. Okay? ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बच्चे confused हो जाते हैं. वो सोचते हैं deductive, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना वो deductive वाला काम आ रहा है कि बच्चा ढूंढ रहा है. That will be opposite. Okay? Next question. Very common error observed in addition of linear expression is 5y plus 3 is equal to 8y. This type of error is termed as. देखिए यहाँ पर बच्चे ने क्या किया, 5y में 3 plus किया और आंसर दे दिया 8y. ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं ये जो गलती हुई है ये किस तरीके की गलती है, क्या ये clerical error है, लिखते वक्त कोई गलती गलत कर दिया गया है, क्या ये कंसेप्चुअल एरर है, भाई बच्चे को कॉन्सेप्ट शायद क्लियर नहीं था इसलिए ये एरर हो गया, प्रोसीजरल एरर है, प्रोसीजर जब बच्चा उसको सॉल्व कर रहा है उस दौरान कोई गलती हो गई है, केयरलेस एरर है कि बच्चा केयरलेस था इसलिए गलती हो गई. जी बच्चा केयरलेस तभी होता है ना जब उसको कोई चीज समझ में नहीं आएगी. ठीक है, तो बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे. ठीक है, तो इट विल बी अ कंसेप्चुअल एरर. सो योर आंसर इज बी. Next question. Place of mathematics education in the curricular framework is positioned on twin concern. देखिए ये कहते हैं कि जो curriculum जब हमारा बनाया गया, curriculum frame किया गया हमारा, तो वहां पर maths की दो जो है ना concern ऐसी रखी गई, दो ऐसी वो रखे गए कि जो कि एक दूसरे के twin थे. ठीक है, तो आपको वो बताना है वो कौन से थे. Options पढ़ लेते हैं. What mathematics education can do to improve the score of student summative examination and how it can help to choose right stream in higher classes. इन्होंने कहा जब फ्रेमवर्क रखा गया तो पहली चीज दिमाग में ये आई कि हमें ये सोचना है कि किस तरीके से मैथ्स की एजुकेशन जो है वो बच्चे के समेटिव एग्जामिनेशन यानी कि जब फाइनल एंड टर्म होगा उसका तो वहां पर उसको हेल्प करे स्कोर करने में और हायर क्लासेस में जो है वो एक अच्छी अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रीम चूज कर सके कि उसको क्या पढ़ना है, इसलिए जरूरी है. व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन कैन डू टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ एवरी चाइल्ड एंड हाउ इट कैन मेक देम एम्प्लॉयबल आफ्टर स्कूल. इन्होंने कहा दूसरा और ये है कि ट्विन जो उन्होंने कंसर्न ली, पहली कंसर्न उनकी ये थी कि बच्चे का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए
और बच्चा जो है वो स्कूल के बाद उसको एक जॉब मिल पाए, दिस विल बी द कंसर्न। देखिए दोनों कंसर्न बिल्कुल आप देखेंगे तो नेगेटिव जाती है, क्योंकि हम जब बात करते हैं करिकुलम फ्रेमवर्क की तो वो सीसीई की बात करते हैं, वो ये कहते ही नहीं है कि हमें समेटिव पे ध्यान देना है। वो कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें डे टू डे ऑब्जर्वेशन करनी है, डे टू डे इवेल्युएशन करना है, डे टू डे फीडबैक देना है। ठीक है, तो समेटिव में बच्चा क्या कर रहा है वो मैटर नहीं करता, थ्रू आउट द ईयर बच्चा क्या कर रहा है वो मैटर करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन वाइप आउट हुआ। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए बिल्कुल भी नहीं। व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन कैन डू टू एंगेज द माइंड ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड हाउ इट कैन स्ट्रेंथन द स्टूडेंट्स रिसोर्सेज। देखिए बहुत पॉजिटिव सा लग रहा है ना आपको पढ़ने में कि बच्चे को कैसे एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, हमें बच्चे को एंगेज करना है कि वो पूरे तरीके से उसके उसमें एंगेज होके उसको सॉल्व करे, उसको करने की कोशिश करे और उसके आसपास के जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से उसको क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उन रिसोर्सेज की हेल्प से बच्चा अपने आप को मोटिवेटेड समझे और कर पाए, हमें ये देखना है। क्योंकि बुक्स सबके पास होती है लेकिन वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा, जब रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चा उसको उसमें एंगेज होगा करने के लिए, राइट। What mathematics can do to retain every child in school and how it can help them to self-independent? देखिए एक कंसर्न ये है कि बच्चे को किस तरीके से स्कूल में रिटेन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है आप देखते होंगे प्राइमरी क्लासेस में के बाद धीरे धीरे स्कूल छोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या फिर उनको कैसे हम सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, हमारा ऑप्शन जाएगा सी, हमें बच्चे को एंगेज करके रखना है, हमें बच्चे को इस हिसाब से रखना है कि वो एंगेज रहे, वो सॉल्व करे, कहीं ना कहीं अपने आप थिंकिंग स्किल्स उसकी जो है वो उन पे काम करेगा जब उसको मोटिवेशन भी मिलेगा। सो आंसर विल बी सी। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे। ठीक, और बहुत नज़दीक आ चुका है एग्जाम, फिर से यही कहूंगी कि प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए और जितना हो सके अब इस टाइम पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपको ये पता चलेगा कि आप अभी भी कहाँ कमी रख रहे हैं जो आपको पूरी करनी है। और बाकी सारी वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।